वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सी एनटी के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो काफी क्रूशियल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो कोर्ट हेयरिंग आपकी आप लोगों ने काफी अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से देखी होगी कोर्ट हेयरिंग, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि लगातार लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। अभी भी कमेंट आ रहा है एक दिन होने के बाद भी कि सर क्या था उस कोर्ट हेयरिंग में और क्या विषय थे, पूरी समझाइए। तो चलिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि जो कोर्ट हेयरिंग है वो अब जबलपुर से क्यों हो रही। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि सर अभी जो पुरानी हेयरिंग हम देख रहे थे वो तो ग्वालियर बेंच में होती थी, ग्वालियर बेंच से यहाँ कब आ गई, क्या हो गया, सब समझते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद देखना चाहते हैं कि क्या ऑर्डर्स है, क्या जजमेंटल हुआ या क्या विषय था, तो सबसे पहले मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि जो रिट पिटीशन नाम का आपको करना WP, W यानी रिट और P फॉर पिटीशन। कौन सा केस अपन चल रहे, मैं आपको याद करा चुका हूं, 4847। ऐसा लगता है कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं ये विषय जनवरी से चल रहा, 12 जनवरी 2022 को केस रजिस्टर हुआ था और आज जैसा कि हम देख रहे हैं अगस्त चालू हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 9 महीने की स्थिति आ गई, 9 महीने लगभग हमारे बर्बाद हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि केस रजिस्टर कब हुआ था, ये वाला 4847 वाला, वो 4 अगस्त को। सर 4 अगस्त कैसे, क्योंकि 4 अगस्त को ही तो ग्वालियर बेंच से ट्रांसफर किया गया है, समझ गया आप बात। तो ग्वालियर बेंच से कहां गए, जबलपुर बेंच में। फिर आता है कि सर एक हमने हेयरिंग में देखा लिखा हुआ कनेक्टेड विथ रिट पिटीशन 1080। तो चलिए इसको समझते हैं पहले, ये 1080 ये वही केस है जो सबसे पहली बार जो लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ऐसी आरोप लगाए थे कि MPNRC फर्जी रजिस्ट्री, जो नर्सिंग काउंसिल ने फर्जी वो लगा रखे हैं, मतलब फर्जी कॉलेज को मान्यता दे रखे हैं। इसी तरह ये भ्रष्टाचार को लेकर के प्लस ऐसे और भी बहुत सारे केसेस MPNRC पे लगे हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए इस कोर्ट ने, मतलब ये कितने तारीख को हेयरिंग हुई है, मतलब कितने तारीख केस रजिस्टर हुआ है, 12 जनवरी 2022, यानी जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो 12 जनवरी से चालू हो गया है। अब आता है सर इसको कैसे देख सकते हैं हम, तो अभी तक तो ये रिट पिटीशन 1080 और 2022 यानी 2022 में ये चालू है, और ये ध्यान देखें ये 12 जनवरी 2022 का है और अभी क्या चल रहा है, अगस्त 2023। कितने तारीख है आज, आज मान ली 10 अगस्त, यानी ये लगभग 1 साल 9 महीने हो चुके हैं इस केस को, 1 साल 9 महीने से ये केस चल रहा है, पिछले साल से ही चल चुका है। फिर आते हैं कि इसमें क्या विषय है, तो इसको क्यों इंक्लूड किया, क्या इनके विषय भी MPNRC और अदर कनेक्टेड केसेस को मिला करके जो इसकी हेयरिंग दी गई है वो 18 अगस्त को दी गई है, तो इसकी हेयरिंग जो MPNRC की है, और साथ ही साथ जो ये हेयरिंग है वो MPMSU विथ MPNRC है, किसके लिए है, नर्सिंग कॉलेज की जो फर्जीवाड़ा है, नर्सिंग कॉलेज की फर्जीवाड़ा। सर ये आखिर जैसा हम फर्जीवाड़ा समझ चुके हैं, आपकी वीडियोस भी देख चुके हैं, तो सर हमें ये समझाइए कि आखिर कोर्ट हेयरिंग क्यों नहीं दे पा रही, मतलब कोर्ट डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा। समझिए अभी तक क्या था कि जो विषय कहाँ था, ग्वालियर बेंच से, ग्वालियर बेंच में कहाँ आ गया आपका, जबलपुर बेंच। अब जबलपुर बेंच की पहली हेयरिंग कब हुई, 10 अगस्त को, यानी कल। सर तो कल आप कह रहे थे कि अब हो जाएगा, तो सर वापिस से ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 सप्ताह का समय ऐसा लिया जा रहा है। तो जैसे अब कितने तारीख को हेयरिंग कर दिया गया है, 14 अगस्त को, नियर अबाउट 14 अगस्त को हेयरिंग है, ये 18 अगस्त को हेयरिंग है। तो समझने वाली बात यह है कि अभी भी 3 सप्ताह का समय वापिस से दिया गया, बाकी अभी 14 और 18 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन 3 सप्ताह का समय दिया डिसीजन देने के लिए, 3 सप्ताह के अंदर, मतलब 3 वीक के अंदर, मतलब इस महीने आप मान के चलिए जुलाई में आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब मसला इतना बिगड़ क्यों रहा, मसला इसलिए बिगड़ रहा, आज इस हेयरिंग में क्या हुआ है, इन्होंने क्या कहा कि 2700 ऐसे टीचर हैं जो फर्जीवाड़ा है, फर्जी टीचर हैं जो एक जगह से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कैसे, इतने कितने मास्टर हैं, इतने 2700 प्रोफेसर हैं, और जानकर के आपको हैरानी होगी एक ही बिल्डिंग में अगर 4 कमरे और 4 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, तो इसमें जब नर्सिंग काउंसिल वाले गए तो कैसे मान्यता दे दिए, MPMSU गई तो कैसे मान्यता दे दिए, इस पे विचार हो रहा है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था पुराने वीडियो में कि करीब ऐसे 150 कॉलेज हैं जो
जिनकी मान्यता सही है, जिनको नर्सिंग काउंसिल एमपी में सी और सीबीआई ने जांच में सही पाया है, लेकिन 150 ऐसे भी कॉलेज है, मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ 150 ऐसे भी कॉलेज है, क्योंकि देखिए लगभग तो कॉलेज 700 के अराउंड थे, 700 में से बंद होते होते 500 पे आ गए, लेकिन अभी मैं सिर्फ 300 की बात कर रहा हूँ, तो 300 में से भी लगभग 150 अपात्र पाए गए हैं और 150 पात्र, बस एक एग्जांपल समझने के लिए, तो जो 150 पात्र हैं उनके तो पेपर कोर्ट कह रही है करवाएगी, लेकिन जो ये 150 अपात्र हैं इनके पेपर नहीं होंगे ऐसा कोर्ट का कहना है, लेकिन अभी ये डिसीजन नहीं आया है और इसी डिसीजन को लेकर के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 150 कॉलेज के तो पेपर होंगे और वही बच्चे हैं जिन्होंने बोगस, जो बच्चे बोगस नहीं है, जो साल भर कॉलेज आए होंगे या जो भी इनके इंटरवल में आए हैं, लेकिन जो ये जो ये नर्सिंग संस्थान है जो सिर्फ बोगस बच्चे को, यानी जैसे कोई ऐसे बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बाहर की बात हो रही है, इसलिए फिर आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, इन सब के बच्चों को भर लिए और लास्ट में क्या हुआ कि इनसे पैसे लेते गए लेकिन कॉलेज कभी नहीं आए, साथ ही साथ इन्होंने अपनी फैकल्टी भी दिखाई कि फैकल्टी कहाँ है, फैकल्टी पता चला कि जबलपुर के ही है लेकिन ग्वालियर में भी पढ़ा रहे, रीवा में भी पढ़ा रहे, मन मर्जी कहीं भी पढ़ा रहे, फिर आ जाइए तो ये सारी, और जैसे बिल्डिंग देखा जाए तो स्थान भी इतने कम है, मतलब जो एक पैरामीटर है कितनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए बिल्डिंग नहीं है, तो इसी तरह को लेकर के इस तरह बहुत से विषय है, लेकिन वो सब कंक्लूड करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जो अगली हेयरिंग है वो 14 और 18 तारीख को है, अलग अलग केसों को, लेकिन इस केस को भी इसमें मर्ज करेंगे, मतलब जो अब जज होंगे वो दोनों केस को एक ही जज हेयरिंग करेंगे, ठीक है, और ऐसा रहेगा कि दोनों की बात होगी उसमें, ठीक है। अब एक विषय और आता है कि सर हम लोग के एग्जाम होंगे कि नहीं, तो देखो भाइयों एग्जाम होना तय है, अगले महीने आप लोग के टाइम टेबल आ जाएंगे, जो बच्चे रह गए जैसे फाइनल ईयर के रिजल्ट को लेकर बोल रहे हैं तो फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, हाँ थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री का विषय है वो कोर्ट के डिसीजन पे है, लेकिन आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है, जैसे ही डिसीजन आया पेपर फटाक से आपके पेपर हो जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री के, साथ ही साथ फोर्थ ईयर में जो बच्चे होंगे जो सप्लीमेंट्री में भी फेल होंगे उनके भी पेपर हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड मेन बैच है उनके पेपर तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही होंगे, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिसलाइक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, थैंक यू।